हेलो गाइस गुड इवनिंग एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूडू फाइवर पर स्वागत है मेरे दोस्तों तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जीव जनन कैसे करते हैं है ना ये बायोलॉजी का दसवीं क्लास की एक चैप्टर है इसका एमसीक्यू सेशन हम लोग कर रहे थे इसका दो सेशन मैंने ले चुका है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर तक आपको मैं बता रखा हूं आज की जो सेशन है उसकी स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव से और आज ये पूरी रूप से ये चैप्टर पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा समाप्त कर दिया जाएगा इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते थे मैंने एक एक करके सारे को कवर किया है है ना और आप लोग का काम क्या है कि ईमानदारी पूर्वक से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनाए गए हैं उसे मन से पढ़िए और आपके एग्जाम को क्या कीजिए आप अपने एग्जाम को सुनिश्चित कीजिए और अच्छे से लिखिए चलिए नो लेट नो बेट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है पुनरुद्भवन का उदाहरण है यानी कि विच ऑफ द फ्लोविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन रीजनरेशन का उदाहरण कौन है ऑप्शन है आपके पास हाइड्रा मेंढक गाय इन में से कोई नहीं तो प्यारे मित्र मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे चाहने वाले इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे है ना तो जो का जो का उदाहरण है वो कौन, है? है। ठीक है? 26. निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है देखिए फिर से वो क्वेश्चन आ गया ये इतने बार पूछे जा रहे हैं इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उभयलिंगी जंतु के बारे में पूछा है ऑप्शन है केचुआ कुत्ता बिल्ली बकरी हर एक ऑप्शन अलग-अलग है लेकिन एक ऑप्शन वही है जो हमारा क्या है आंसर है तो लिंगी जंतु कौन है प्यारे में तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केचुआ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है है ना जो फूल होते हैं ना वो फूल का कौन सा हिस्सा ऐसा होता है जो फल में चेंज हो जाता है फल में तो आपको बताना है वो होता है पुंकेशर स्त्री तो फूल का कौन सा ऐसा भाग फल में बदलता है तो आपको कहना है क्या ओवरीसर यानी कि अंडाशय अंडाशय जो होता है वो क्या हो जाती है फल में बदल जाती है यानी कि फल में चेंज हो जाता है क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस पता है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है हाइड्रा में जो प्रजनन होती है वो किसके द्वारा होता है ऑप्शन है कि कायिक प्रबंधक के द्वारा बीजाणु संबंध के द्वारा मुकुलन के द्वारा या विखंडन के द्वारा तो हाइड्रा में जो होते हैं ना प्यारे मित्र वो होते हैं मुकुलन के द्वारा यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हाइड्रा में प्रजनन की जो विधि होती है वो होती है बडिंग यानी कि मुकुलन के द्वारा होता है क्वेश्चन नंबर पता कि पुष्प का कौन सा भाग प्रागकन बनाता है पुष्प का कौन सा ऐसा भाग जो होता है वो प्रागकन बनाता है कौन बनाता है प्रागकन बाहिदल पंखुड़ी पुंकेसर स्त्रीकेसर क्या होंगे इसका राइट आंसर तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो पुष्प का कौन सा ऐसा भाग जो प्राकर बनाता है वो हो जाएंगे पुंकेश्वर यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है ना पुष्प का कौन सा भाग प्राकर बनाता है तो आपका राइट आंसर होगा पुंकेश्वर बनाती है ठीक है ये रहा क्वेश्चन नंबर तीस निम्न में से कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है

वो जनन संचालित रोग के अंतर्गत आता है यानी कम्स अंडर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन आता है तो सिफिलिस एड्स कौन आते हैं भाई तो एड्स होने का तो बहुत सारा रीजन है ये सिफिलिस ऑप्शन नंबर ए सिफिलिस ये जो सिफिलिस है ना वो आते हैं आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत ठीक है प्यारे मित्र नेक्स्ट किससे बचने के लिए किस से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस सलाह दी जाती है भाई हम लोग कौन सा ऐसा बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर लोग जो होते हैं ना वो आयोडीन युक्त नमक को खाने का सलाह देते हैं आपको बताना है मधुमेह से बचने के लिए घेंगा से बचने के लिए उच्च रक्तचाप से बचने के लिए इनमें से कोई नहीं क्या राइट आंसर होंगे तो आपका राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ये घेंगा जो रोग होते हैं ना इससे बचने के लिए जो डॉक्टर लोग होते हैं वो सलाह देते हैं कि आप अपने भोजन में आयोडीन युक्त नमक का सेवन कीजिए क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्या बोल रहा है कहता तो है घेंगा रोग पनपता है देखिए क्वेश्चन पूछने क्वेश्चन का आंसर वही होगा लेकिन क्वेश्चन पूछने का स्टाइल क्या है चेंज है घा रोग पनपता है किससे बेटा मोटापे से ये तो बिल्कुल गलत है चीनी की कमी से बिल्कुल गलत है रक्त की कमी से बिल्कुल गलत है तो चार ऑप्शन में तो तीन गलत हो गए यानी राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयोडीन की कमी से झेंगा रोग पनपता है किसकी कमी से आयोडीन की कमी से चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है देखिए पूछने का केवल स्टाइल देखिए प्यारे मित्र मेरे चाहने वाले क्वेश्चन वही है पूछने का अंदाज अलग अलग है तो हम लोग का भी आंसर देने का अंदाज एक ही रहेगा क्या रहेगा मधुमेह ये तीन का तीन आंसर इसका नहीं है ना आयोडीन की कमी से होने वाला बीमारी को बोलते हैं ग्वाइटर यानी कि घेंगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर 34। थर्टी फोर कहता है निम्नांकित में से कौन मलेरिया प्रजीवी है है ना मलेरिया की प्रजीवी है यानी कि मलेरियल जो है ना मलेरियल पैरासाइट आपको बताना है कौन सा है भाई प्लाज्मोडियम लिस्मेनिया प्रोटोजोआ इनमें से कोई नहीं तो ना ही लिस्मेनिया है ना ही प्रोटोजोआ है और ना ही होगा इनमें से कोई इसका राइट right आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम जो प्लाज्मोडियम है प्यारे मित्र वो एक मलेरिया प्रजीवी है कौन सा प्रजीवी है मलेरिया प्रजीवी है इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 35 फाइव की ओर आता हूं और देखता हूं क्या है क्वेश्चन पता निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है जीवाणु जनित रोग नहीं है ऑप्शन है पहला गोनोरिया सिफलिस मस्सा इन में से कोई नहीं तो जो जीवाणु जनित रोग नहीं है मेरे दोस्त वो है कौन यानी कि मस्सा मस्सा जो है ना वो एक जीवाणु जनित रोग नहीं है चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव कंप्लीट थर्टी सिक्स पे आते हैं थर्टी सिक्स में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन विधि है कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है है ना तो वो बोल रहा है कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एक कौन सी मेथड इसमें से है पहला ऑप्शन है कलम लगाना दूसरा दाब कलम तीसरा कलम बंधन चौथा इनमें से सभी तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर होंगे वो होंगे आपका ऑप्शन नंबर डी है ना इनमें से सभी जो है वो एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एक मेथड है ठीक है प्यारे मित्र तो आज की सेशन यहीं पर समाप्त होता है जीव जनन कैसे करते हैं इससे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनाया जा सकता था मैंने हर एक टाइप को क्या किया है लिया है और आपको बताने की कोशिश किया है एग्जाम में इससे बाहर यहां से कुछ भी पूछा नहीं जा सकता है तो आपको करना क्या है मन से ईमानदारी से पढ़ना है और एग्जाम को सही से देना है है ना और अच्छा लगे तो वीडियो को जरा सा शेयर कीजिए दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए थैंक यू बाय बाय मिलते हैं जल्दी अगले चैप्टर के साथ बायोलॉजी का ठीक है बाय